आपकी अपनी प्यारी सैम, और जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं उनके लिए हाँ, तो मेरी आवाज देख के सुन के आपको समझ में तो आ ही रहा होगा कि समथिंग इज नॉट गुड। बहुत टाइम से मेरे काफी गायने के इश्यूज चल रहे थे। इट वॉज नॉट गेटिंग वर्स ऑल्सो, बट इट वॉज नॉट हीलिंग ऑल्सो। तो अभी 10 डेज का टाइम दिया है डॉक्टर ने और कुछ दी है मुझे मेडिसिंस, देन विल सी। बट आज का ब्लॉग जो मैं करने वाली हूँ टुडे, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट ब्लॉग, वेरी इट विल बी अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ विच इज गोइंग टू हैपन। एंड मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही अभी, मतलब मुझे बहुत थकान फील हो रही है और वीकनेस लग रही है बहुत ज़्यादा, बट आई एम स्टिल व्लॉगिंग बिकॉज आज जो मैं करने जा रही हूँ वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा होने वाला है आगे जाके, फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, एंड इट मे चेंज माई लाइफ ऑल टुगेदर। तो आई रियली वॉन्ट यू गाइज टू नो कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू और क्या होने वाला है। तो ऑल माई लाइफ पीपल हैव बीन सेइंग मी कि आई शुड ट्रीट माई टीथ। आई डिडंट फील दैट वे, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा फील नहीं हुआ। आई थॉट कि मैं अच्छा ही कर रही हूँ, बट देन रिसेंटली मैंने डॉक्टर वर्गुन से मैं मिली, उनसे मैंने गाइडेंस ली, समझा थोड़ा। और अभी कुछ नई टेक्नोलॉजीज आई हैं जो जिसको क्या बोलेंगे, इनविजिलाइन आर लाइक ट्रांसपेरेंट ब्रेसेस एंड यू हैव टू वियर देम ऑल टाइम। इनविजिलाइनर के साथ साथ कुछ थोड़ा सा प्रोसीजर भी है जो टीथ में किया जाता है, जो आज होगा, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू शो यू ऑल ऑफ दिस बिकॉज यू शुड नो, बिकॉज दिस इज अ वेरी 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 बिग चेंज एंड वेरी बिग स्टेप ऑफ माई लाइफ। आई एम वेरी नर्वस। मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आई डू आई नो what is going to happen. This is not in my hand. How it is going to look? How am I going to look? What is going to happen? Am I going to like it? Are you going to like it? I don't know. I'm going to tell you each and everything. Kab kya kaise ho raha hai? ठीक है? And stay tuned for this. अब हम मिलते हैं जब हम डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। Hello. आई एम सो सॉरी आई एम लेट, 50 मिनट्स लेट। और मैं दो बारी रीशेड्यूल करके और फिर आज भी लेट आई हूँ। आई एम रियली सॉरी। अटैचमेंट्स, राइट? ये जो अटैचमेंट्स हैं, दीज अटैचमेंट्स विल बी हेल्पिंग अस इन मूविंग योर टीथ इन द डिजायर्ड डायरेक्शन। वी हैव ऑल दीज अटैचमेंट्स दैट हैव बीन प्लान्ड अप, जो हम अटैचमेंट्स आज लगा देंगे। ये जो अटैचमेंट्स हैं आज हम कर लेंगे। अटैचमेंट्स विल बी ऑफ द कलर ऑफ योर टीथ सो दैट दे डोंट they're not very visible. Then, I'm not saying they're going to be invisible completely, but then if somebody comes to you this close and tries to find it, they will see it. इसके बाद में आज हमने सिर्फ basically आपको attachments लगा के aligner deliver करने and we just have to train you on how to manage and handle your aligners. Also हमारे पास जो IPR है, जो हम slicing करेंगे आपके दांतों के बीच में थोड़ी सी जगह बनाने के लिए, that will be done on the 5th aligner. I have purposely kept it at stage 5. Okay, शायद aligner पहनने के बाद आपको पता चला expansion कितना हो रहा है, तो कितना IPR वो IPR करने की जरूरत actually है। And I'm telling you कि IPR is a very safe procedure. मैंने Google किया है ये, ठीक है? तो I know it. मतलब I'm not just he told me that, but मैंने Google किया है and I know it is a very safe thing. Absolutely. And it's a very chill atmosphere. The orthodontist also offers you sweets like this. Oh my god, yeah, this is also there. The IPR is generally very safe. It's very non-invasive. It's absolutely pain-free. And it's very, undamaging to your teeth. It doesn't damage your teeth at all. It's done in a very physiologic quantity where your teeth will not be harmed at all. Let's start. Yes, let's start. Okay, chalo.
शुरू करें। So what this is going to do, this is going to stretch your cheeks and lips a little apart. You'll bite over here, okay, and your tongue touches over here. This is just to give you comfort. Okay. Whenever I ask you to open, you can open. If there's any difficulty at any point in time, you can just raise your left hand and I'll stop. Okay. Okay? Okay. All right. Open, relax. Keep it very loose, loose. Close to your cheek then. Is it better? Shut. Close. Right, stay there. क्या लड्डू चाहिए मीठा है? तो ही ऑफर्स स्वीट्स बिकॉज़ ही इज अ स्वीट डॉक्टर। I offer sweets to only sweet patients. Yay! So these are the attachments and you're filling them. So the attachment humne wahan pe we filled in, right? So firstly I want you to tell me, can you see something? Nahin. ये सारे दांत पर अटैचमेंट लग चुके हैं। ओके हाँ। अब दिख रहा है? हाँ। अब दिख रहा है? Now you can make out? हाँ हाँ हाँ। हाँ? थोड़े से bounce। उस तरफ सर, left side के दिख रहे हैं मेरे को। Because वो ऐसा lateral दिख रहा है मेरे को। समीक्षा को ऐसे ही सॉरी बोला तो समीक्षा ने मुझे ऐसे आंख मार के इट्स ओके भी बोल दिया। That was really sweet, but हाँ। आँखों में। Okay. So, हाँ, देखे। Okay. कुछ नहीं पता चल रहा है। मूवमेंट देने में हेल्प करते हैं। हमें जहाँ पे दांत को मूव कर रहे हैं उस तरह से स्ट्रेटेजिकली अटैचमेंट्स प्लेस करते हैं जो हमें दांत को उस पोजीशन में उस डायरेक्शन में मूव करने में मदद करेंगे। ये अटैचमेंट है, अब ये अटैचमेंट मतलब मुझे तो ऐसा कुछ प्रेशर या कुछ फील नहीं हो रहा, तो ये कैसे अटैचमेंट्स में प्रेशर या कोई भी फोर्स नहीं होता? फोर्स अलाइनर के अंदर होता है। अलाइनर्स आर प्री प्रोग्राम्ड विद द फोर्स। अभी अलाइनर जब आप वैसे ही लगाते हैं तो अटैचमेंट्स के ऊपर वो एक्ट करके थोड़ा सा आपके दांतों को मूव करता है। प्रोडक्शन यूनिट, सो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू जस्ट रिंज इट अंडर द वॉटर वंस एंड देन पुट इट ऑन। ठीक है, सो विल जस्ट रिंज इट एंड विल गिव इट बैक टू यू। ओके, सो ऑल क्लियर? यस। I'll just take the chair again and I'll show you how we're going to place it. Okay, हम पहले ऑटो वाले के साथ जाएंगे। Okay. So now what we do is, जैसे ही हम इसको अपनी जगह पे लेके जाते हैं, तो हमें पता चलता है ये सेंटर में आ गया है, है ना? The moment it comes on the center, we'll start pressing it. Okay. You start hearing that click sound. Okay. अभी ये अपनी जगह पे बैठ गया। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम एक कॉटन रोल या टिश्यू पेपर या स्पॉन्ज, व्हाट डू वी डू इज ओपन योर माउथ, क्लोज, ओपन योर माउथ,
एक्सपोज, थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है आपको दांतों पे? सो दिस इज द प्रेशर दैट द अलाइनर विल पुट ऑन योर टीथ. ओपन. ओके. सबसे ज्यादा मुझे ये डर लग रहा था कि मुझे बोलने में प्रॉब्लम ना हो, व्हिच इज जस्ट नॉट द थिंग विद यू. इन फैक्ट आई हैव सीन सम पेशेंट्स, I would want to say this, कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ना स्पीच में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, but that is also there only for a day or two. Show them how you're doing. My, see this, Samiksha is done by herself. Yeah. पता नहीं चल रहा कुछ. पता नहीं चल रहा है. पहली बार पता चलता है. अभी जैसे ही पानी से बाहर निकलते हैं ना, so it's a little wet, right? तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता है. मुंह में वैसे भी they are a little wet, so आपको नहीं पता चलेंगे. This pack have is, this has this nice sleek box. Where you have a user manual and this compact, like aapki compact powder like looking case. Okay. Where you can place your aligner. All right, so certain do's and don'ts that you need to know very well with the aligners. Please. You cannot eat anything with the aligners, come what may. Okay. You can drink only water with the aligners and nothing other than water. So whenever you want to eat something or whenever you want to drink something other than water, you can remove it and get indulged in your snacking, eating, and then get it back on. There's also a possibility that you might have some minor pain, mm-hmm. pressure, okay, especially tomorrow morning when you get up. Your night times are the major times when you wear your aligners. It's always advisable to wear your aligners like say by dinner time 8-9 and then continue it throughout the day. Ideally, you're supposed to wear the aligners for 21 to 22 hours in a day. ओके. अब आप वो 3 घंटे में कब नहीं पहन रहे, दैट इज पर्सनली योर चॉइस. ठीक है. बट आप उतना पहनना जरूरी है. ओके. आई एम एंटीसिपेटिंग दैट इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप यू विल बी विद योर अलाइनर्स ऑन. ओके. सो जब आप सुबह में उठते हैं, आप जब ब्रश करते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले अलाइनर्स के साथ में ही ब्रश कर लीजिए. सो यू आर ब्रशिंग द आउटर सर्फेस ऑफ योर अलाइनर. यू डोंट नीड एनी स्पेशल टूथपेस्ट और एनी स्पेशल डिटर्जेंट्स टू क्लीन योर अलाइनर्स. फर्स्ट से लेके 10th तक आप पहनेंगे. 10th की नाइट को यू विल स्विच ऑन टू द नेक्स्ट अलाइनर. So what is the idea about moving on in the night is basically, night में जब आप aligner पहनेंगे तो फिर आप कुछ खाएंगे नहीं, you know, you'll not be indulging into any activities like where you'll have to remove the aligners. So basically that'll be one brief period where you'll be wearing the aligners for a long time. Also whatever pressure and whatever force that the new aligner is going to put onto your tooth will be majorly gone away during the sleep time. Am I missing out on anything? मैं 10 साल से पी रहा हूँ उससे इंस्पायर हुए. सो गाइज, हेयर यू कैन सी मेरा ट्रीटमेंट हो गया है अभी. और ट्रीटमेंट तो मैं इसको बोलूंगी भी नहीं, बिकॉज ट्रीटमेंट जैसा तो कुछ था ही नहीं. मुझे बिल्कुल भी कुछ डिस्कम्फर्ट नहीं हो रहा है, पेन जैसा कुछ हुआ ही नहीं. एंड थैंक्स टू डॉक्टर वरुण. अभी ट्रीटमेंट हमारा 1.5-2 साल चलने वाला है. ये फर्स्ट अलाइनर है और 10 डेज बाद मैं मेरे अलाइनर्स चेंज करूंगी. देन आई विल सी यू. और मैं एक प्रॉपर, क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफॉर्मेशन, एक मेरी ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी 1.5 साल बाद. यू विल सी my beautiful teeth thanks to doctor. अभी से thanks, अभी से ले लो सब thanks. ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी से ले लेता हूँ. बट मुझे पता है वो thanks आपका वेस्ट नहीं जाएगा. नहीं जाएगा ना. हाँ ठीक है. when you are there I'm not nervous, मतलब मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं है. so guys thank you so much for watching this. if I inspired you, or अगर कोई और questions है you want to ask, कुछ आपको डर है, कुछ किसी चीज़ का भी कुछ nervousness है, तो आप इनसे, डॉक्टर से पूछ सकते हो. मैं नेक्स्ट व्लॉग में जो है इनको सारे सवालों के आपके जवाब दिलवाऊंगी. अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ लेना. ठीक है. तो आई रियली होप आई इंस्पायर्ड यू सम हाउ. दिस इज, मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या और होने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलना प्लीज. देखना चाहते हो ना मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, तो सब्सक्राइब करो चैनल. ठीक है.